कुरुक्षेत्र महाभारत के भीषण युद्ध का साक्षी है। आज भी सैकड़ों लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र ही आखिर महाभारत के भीषण युद्ध के लिए क्यों चुना गया। तो चलिए आज की हमारी खास पेशकश में जानते हैं आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ महाभारत का युद्ध। ये भूमि जो तत्कालीन सरस्वती और दृशावर्ती नदियों के बीच स्थित है को अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण भूमि माना जाता था। ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ही दिया था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में दोनों तरफ से करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बहुत से लोग मारे गए थे। ये संसार का सबसे भीषण युद्ध था। उससे पहले ना तो कभी ऐसा युद्ध हुआ था और ना ही भविष्य में कभी ऐसे युद्ध होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, ये सवाल अभी तक सबके जहन में आता है। इसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हुआ था उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को ये डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देख कहीं कौरव और पांडवों के बीच संधि न हो जाए, एक दूसरे को मरता देख कहीं उनका दिल पसीज न जाए। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का निर्णय लिया जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। इसके लिए श्री कृष्ण ने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए बोला गया। सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं की जांच की। भगवान श्री कृष्ण को एक एक कर उसके बारे में बताया गया। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेन टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से वार करा और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेन के पास ले गया, जहां से पानी निकल रहा था वहां उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। दूत द्वारा सुनाई इस सत्य घटना को सुनते ही श्री कृष्ण ने तय किया कि ये भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। श्री कृष्ण आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए और इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। आशा करती हूँ आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। मैं हूँ साधना शर्मा न्यूज़ पर सोशल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।